हेलो गार्डनर्स, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके गार्डन के पौधों की तरह खुश मिजाज होंगे। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताएंगे जो आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। उसका नाम है पोर्टुलाका। ये देखिए, इसको पोर्टुलाका कहते हैं। हर जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसको मोसेरोज, कहीं पर्सलेन, और हमारे हिंदी भाषा में इसको बिच्छू बंटी के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा सकलेंट है। इस पौधे को पानी की बहुत कम जरूरत है, कम देखभाल की जरूरत है और आसानी से हम इसे अपने घर में लगा सकते हैं। पोर्टुलाका के पौधा जिसपे अलग अलग तरह के फूल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि मेरा गार्डन ऐसे रंग बिरंगे फूलों से भरा रहे। जब भी हम इसको खरीदने के लिए जाएं, जो आपके पसंदीदा कलर हों, जो आपको कलर पसंद हों, उन्हीं कलर्स को आप परचेज करें। एक बार परचेज करने के बाद आप इसको घर में जितने चाहे इसकी कटिंग करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा गमला लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 से 6 इंच का गमला ही इसके लिए सफिशेंट है। जब हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, देखिए ऐसे इसकी लंबी लंबी ब्रांचेज होती हैं, तो लंबी ब्रांचेज हैं बट फूल कम आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी ब्रांचेज को ऐसे पिंच कर लेना है, ताकि जहाँ से हम पिंचिंग करेंगे वहाँ से इसकी मल्टी ब्रांचेज आएंगी और इस जो हमने ब्रांचेस को तोड़ा है इसको यहीं पर लगा दें, ताकि ये पौधा बुशी टाइप से बन जाए। अब देखिए, ये पौधा बुशी तो बन गया है बट इस पे फूल बहुत कम आ रहे हैं। इसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या, कंडे बोलते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है। इसको तोड़ के ऐसे पानी में 24 घंटे तक डिप कर लेना है। जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर है वो हम इस पौधे की ग्रोथ के लिए इसमें डालेंगे, ताकि ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। अब ग्रोथ तो करने लग गया है बट इस पे फूल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पोर्टुलाका पे मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए सिर्फ हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इनको सबसे ज्यादा धूप पसंद है, तो इनको 7 से 8 घंटे धूप की बहुत जरूरत है। जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है वहां पर रखें, तभी ऐसे ये आपका फूल, इस पे सारे पौधे पे फूल आएंगे। और दूसरा, जब इसके फूल आ जाते हैं, उस आ गए हैं बट दोबारा से फिर फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फूल आ गए हैं, कुछ जगह ऐसे बीज बन गए हैं। जब तक हम इस ब्रांच को यहाँ से तोड़ेंगे नहीं, देखिए ऐसे आपको इतना नीचे से तोड़ना है, तभी यहाँ पर इसकी मल्टी ब्रांचेज आएंगी। जितनी मल्टी ब्रांचेज आएंगी उन पे ऐसे फूल आएंगे। ये फूल तभी आएंगे जब आप इसको टाइम टू टाइम, जब फूल गिर जाता है या फूल आने के बाद यहाँ से इसको स्टेम। पोर्टुलाका गर्मी के मौसम में अपने पूरे ब्लूम पे रहता है, इसमें फूल आते हैं, बट सर्दियों में इस पे फूल नहीं आते क्योंकि ये पौधा ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकता। अक्टूबर में आपको क्या करना है, हर कलर की ऐसे दो दो ब्रांचेज आपको तोड़ के किसी एक गमले में लगा के इसको रख देना है, ताकि अगले साल फैब में ये फिर से इसकी अलग, जैसे ये हमने यहाँ से तोड़ी है, इनको बचा के रखा, वहाँ से नई नई ब्रांचेज आएंगी, इनकी रूट बन जाएंगी, फिर से हम इसको अलग अलग अपने प्लांट में लगा दें, फिर से हमारा गार्डन ऐसे फूलों से, सुंदर फूलों से भर जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।